तो आज की इस वीडियो में हम चेक करने जा रहे हैं इमेज को और इमेज का टैग हम ये यूज़ करते हुए जो ना अंडरस्टैंड करेंगे कि इमेज किस तरीके से जो है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ होती है इमेज इमेज जो है वो बहुत इम्पॉटेंट पार्ट है हमारे एच डॉक्यूमेंट का और यहाँ पे मैं स्ट्रायल का टैग यूज़ करूँगा और फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे मैंने आई के फ़ोल्डर में ऑलरेडी एक क्यूब कैट की जो है पिक्चर रखी हुई है तो मैं यहाँ पे आई कॉल करूँगा और उसके अंदर कैट डॉट जेट पैक ऑलरेडी जो शो हो रही है उसको शो करूँगा और सेव करके मैं अपने फोल्डर के अंदर जो है उसको चेक करते हैं तो ये देखें ये इमेज जो है जो कि बहुत बड़ा साइज़ है हमारे पास इस तरीके से शो हो रही है अगर हम इसको विद जो है थ्री हंड्रेड पिक्सल दे देते हैं तो आप देखेंगे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये इमेज जो है इस तरीके से हमारी शो होने लग गई अच्छा इसके अंदर जो है ये एक होता है ऑल्ट का टैग जो कि कंपलसरी होता है एज ए डब्ल्यू थ्री से स्टैंडर्ड तो हम अगर यहाँ पे लिखते हैं क्यू कैच तो देखिए क्यू कैट लिखने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन अगर फर्स्ट करें मैं यहाँ पर कैट वन जो है ना लिखता हूँ और ब्राउजर के अंदर चेक करता हूँ तो आप देखेंगे क्यूट कैट का जो वर्ड है वो लिखा हुआ आ गया यानी कि ब्राउजर जो है एक्सपेक्ट कर रहा होता है अगर कोई इमेज जो है वो पाथ पे ना मिले तो उसको वो किस तरीके से जो है लोड करेगा शो करेगा ब्राउजर पे ऊपर अच्छा इसको जो है मैं कमेंट कर देता हूँ और कमेंट करने के बाद हम एक क्लास लेते हैं इसके साथ जो है मैं आपको शो करूँगा कि किस तरीके से आप इसको विदाउट एम्बेडेड जो है इमेज टैग के शो कर सकते हैं कैट और ये मैंने एक जो है क्लास टेप को दिए और ये फॉर्म पर डेव डॉट कैट जो के मतलब डेव की क्लास जो है कैट है और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर रहा हूँ जो के यूआरएल हम इसका देंगे img slash cat dot jpeg with 300 pixel and height 300 pixel और अगर हम अब अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो आप ये देखेंगे इमेज लोड हो गई है <laughs> और इसके साथ जो है मैं इसको बैकग्राउंड साइज हंड्रेड परसेंट कर दे और अब ब्राउज़र को रिप्रेस करता हूँ तो ये देखिए इमेज एज इट इज़ जो है हमारी शो हो गई है मिसाल के तौर पर अगर हम इसको फिफ्टी परसेंट कर देते हैं जबकि हमारे डिफ का जो साइज़ है वो 300 हंड्रेड पिक्सल है लेकिन जब हमने इसको 50 परसेंट करा तो आपने देखा ये इस स्क्वायर के अंदर फोर टाइम रिपीट हो रही है और अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट यूज़ करते हैं और नो रिपीट कर देते हैं तो अब आप चेक करेंगे ये जबकि अगर मैं स्पेक्ट एलिमेंट आपको करके दिखाऊ जो हमारा आ, जो डिव है वो 300 पिक्सल का है लेकिन इमेज जो है वो सिर्फ 50 परसेंट पे वन टाइम शो हो रही है दोबारा से 100 परसेंट कर देते हैं आपको ये दिखाता हूँ अगर फर्स्ट करें इसकी हाइट जो है मैं इसको 200 हंड्रेड पिक्सल कर देता हूँ और फिर ब्राउजर को चेक करता हूँ तो ये देखे आप फोर्थ इमेज जो है वो शो नहीं हो रही है बैकग्राउंड साइज हंड्रेड परसेंट करते हैं और बैकग्राउंड रिपीट लो रिपीट करते हैं और इसको सेव करके मैं अपने ब्राउजर को चेक करता हूँ तो ये देखे इमेज नीचे से जो है वो कट हो रही है क्योंकि मैंने इसको अगर मज़ीद इसको कम कर दूँ तो और मज़ीद इमेज जो है ना वो कट हो जाएगी ये देखें लेकिन अगर फ़र्श करें इस सूरत हाल के अंदर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन को यूज़ करता हूँ और सेंटर तो यहाँ पे आप चेक करें कि ये जो है इमेज जो है ऊपर से और नीचे से जो है कट करके जो इमेज का सेंटर पार्ट है जो भी एरिया आपका डिफ का एरिया है उसके अंदर उसने शो कर दी अगर मैं इसको सेंटर को टॉप कर दो अच्छा आप यहाँ पे जो है बैकग्राउंड पोजीशन को जो है ए, किस तरीके से और यूज़ कर सकते हैं मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर दोबारा से कर देता हूँ और यहाँ पे इसको दोबारा थ्री हंड्रेड कर देता हूँ अच्छा यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ जो कि मैंने 100% परसेंट दिया था अगर मैं इसको 200% परसेंट कर देता हूँ यहाँ पे जो है मैंने बैकग्राउंड जो साइज़ है उसको 200% परसेंट कर दिया और जो है इसको रिफ्रेश करने पे जो है मुझे મે શો હો રહી હે ઇમેજ બોલ ક્યુકી ઇમેજ કા સાઇઝ જો હે ના વો ઇનક્રીઝ હો ગયા ઓર ઇનક્રીઝ હોને કે સાથ સાથ સાઇઝ હે ઇમેજ કા વો ઇનક્રીઝ હો ગયા બલકે આપકા કન્ટેનર જો હે વો ઉસી સાઇઝ કે અંદર હે જિસકી વજહ સે ઇમેજ કા જો આઉટર પાર્ટ હે યાની કે જો ટોપ રાઇટ ઓર બોટમ હે વો શો નહીં હો રહા અગર ઇસ બેકગ્રાઉન્ડ સાઇઝ કો મે યહાં સે 200% સે હટા કે યુઝ કરતા કન્ટેન तो अभी क्या करेगा अभी अभी देखें दोबारा से इमेज जो है वो आपकी कंटेन हो गया अतः तो कंटेन करता क्या है कंटेन जो है वो जो आपका कंटेनर का साइज़ है उसके ऊपर जो है वो आपकी इमेज को सेट कर देता है लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं आपका कंटेनर जो है वो इमेज के साइज़ के हिसाब से नहीं है तो ऐसी सूरत में ये देखें अब इसने क्या किया अगर मैं आपको डेफ को दिखाऊं तो ये देखें डेफ इमेज जो है वो उसको आ, उसने 200 पे हाइट पे रखा हुआ है और 300 जो कंटेनर की वेद है जो डेफ की वेद है उसको साइडों में उसकी स्पेस छोड़ दी लेकिन अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ कवर तो आप देखेंगे क्या रिजल्ट रहेगा इसका देखिए जो हमारा डिफ का साइज था उसके ऊपर उसने इमेज को कवर कर दिया यानी कि जो इमेज है का साइज़ उस आपके डिफ के अंदर फिट हो सकता था उस साइज़ को उसने इमेज को फिट कर दिया और बाकी साइड डिफ के अंदर फिट नहीं हो सकता था उसको उसने हाइट कर दिया आप अगर इस पर बॉर्डर रेडियस दे, दे देते हैं 50 परसेंट साइज को कवर कर देंगे और भी चेक करते हैं अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इमेज जो है वो मेरी राउंडेड इमेज हो गई अच्छा यहाँ पे लास्ट के अंदर मैं आपको एक चीज़ ये शो करना चाहूँगा अगर इस इमेज को उठा के मैं इस कैट के डिब में रख देता हूँ और यहाँ से अगर मैं बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ और इसको स्पेस इस देके मैं इमेज देता हूँ और आपको यहाँ रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो हंड्रेड परसेंट वही रिजल्ट दे रहा है जो कि सी एस एस के थ्रू इमेज वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि किस तरह से जो है ना आपकी किस पर क्या रिक्वायरमेंट होती है तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं अल्लाह हाफिज़